छबड़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास आज एक पेपर है, फरवरी मार्च का 2023 का पेपर है। पेपर 1-2 हमारा वाला वेरिएंट है, लेकिन फरवरी मार्च का है, 23 का सबसे लेटेस्ट पेपर जो है वो इस वक्त हमारे पास यही अवेलेबल है। तो चेक करते हैं बेटा, मैं क्वेश्चंस आपके लिए रीड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा क्या करें। व्हाई डेड अमिताभ है Why did Amitav prepare to form a partnership with Lenny rather than just set up as a sole trader? तो हमने बताना है भाई कि वो partnership क्यों prefer कर रहा है rather than set up as a sole trader? तो हमें ये बताना है बेटा partnership के वो फायदे जो sole trader के अंदर नहीं मिलते। Amitav was certain they could work without disagreement। तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता, जब दो बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ पे भाई जो है वो शोर तो होता है, तो लड़ाई तो हो सकती है, तो सर्टन नहीं हो सकते कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि पार्टनरशिप में डिसएग्रीमेंट्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर। कह रहे लेनी हैड अ डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज टू अमिताभ। ये हो सकता है बिल्कुल कि लेनी के पास जो एक्सपर्टीज है वो अमिताभ के पास नहीं है, इसीलिए वो इसके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा है ताकि बिजनेस को ज्यादा स्किल्स मिल जाए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप आर नॉट शेयर्ड पब्लिकली। तो सोल ट्रेडर की भी पब्लिकली नहीं होती, तो सोल ट्रेडर की वजह से अगर वो पार्टनरशिप पे आ रहा है तो इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि हम जो है वो अकाउंट हमें शेयर नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अकाउंट शेयर करने पड़ते हैं, बाकियों को अकाउंट शेयर करने की जरूरत नहीं होती। आगे क्या कह रहे थे, द लीगल रिक्वायरमेंट इन सेटिंग अप द बिजनेस वुड बी रिड्यूस्ड। लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी, रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट इसमें इतनी नहीं होती। जो सबसे ज्यादा होती है वो तो कंपनी में होती है, तो पार्टनरशिप में लीगल रिक्वायरमेंट वैसे तो होगी नहीं, लेकिन अगर होगी भी तो सोल ट्रेडर से तो ज्यादा ही होगी। तो बी इज द राइट आंसर। अ क्रेडिट कस्टमर क्लियर्ड हर डेट ऑफ 600 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 12। हाउ वुड द कस्टमर अकाउंट अपियर इन द बुक्स ऑफ सप्लायर आफ्टर द रीपेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। क्या कह रहा है सर, क्रेडिट कस्टमर है, उसने अपना डेट क्लियर किया 600 का आफ्टर डेटिंग कैश डिस्काउंट। सही है, तो अब सवाल ये आता है कि उसने हमें, कस्टमर ने 600 दिए या हमने उससे लेने थे 600। ये कह रहा है डेट ऑफ 600, डेट ऑफ 600 का मतलब बेटा अभी डिस्काउंट माइनस करना है। अगर वो कहता कि चेक ऑफ 600 मिला है, इसका मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो बेटा 600 हम मांगते थे कस्टमर से, लेकिन उसने जो है वो बुक्स ऑफ सप्लायर किए हैं, तो हम सप्लायर हैं, तो कस्टमर ने हमें पूरे 600 नहीं दिए होंगे, बल्कि 600 माइनस 12 कितने दिए होंगे, 588। तो बेटा बैंक को डेबिट कर देंगे 588 से, और चूंकि हम सप्लायर हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, बैंक डेबिट, चूंकि पैसे आ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कि कस्टमर जो है अब वो $12 देने वाला हमें नहीं है, और जो कस्टमर का बैलेंस BD होगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने जो है कस्टमर का अकाउंट बनाना है ना, तो सॉरी ए ऑप्शन होना चाहिए, बैलेंस BD आ रहा होगा 600 जब कस्टमर ने हमें पैसे दिए होंगे, क्या एंट्री बनाई होगी, बैंक डेबिट हुआ होगा, लेकिन कस्टमर का अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सही, ये टी अकाउंट है समझ लें। तो बैलेंस BD बेटा डेबिट पे आ रहा होगा कस्टमर का, जब कस्टमर ने हमें पे कर दिए तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जब हम उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो उससे भी कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ए वुड बी द राइट आंसर। सर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग अ फुल सेट ऑफ डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें तो हमें बताना है सर इसका फायदा क्या होगा। तो देख लेते हैं सर, अकाउंट बैलेंस अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है कि भाई हर कस्टमर और सप्लायर के हमारे पास सारे बैलेंसेज मौजूद होंगे हर कस्टमर और सप्लायर के। आगे क्या कह रहा है, बिजनेस एसेट्स एंड ओनर एसेट्स कैन बी कैप्ट सेपरेट। देखें, ये तो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस के एसेट्स और ओनर के एसेट हम सेपरेट रखते हैं, ये डबल एंट्री का एडवांटेज नहीं। इट इनेबल द बुक कीपर टू चेक द बैंक स्टेटमेंट फॉर एरर्स एंड ओमिशन। तो इसका जो है वो डबल एंट्री से ताल्लुक नहीं है, ये हम वैसे भी चेक करेंगे, और अगर कोई एरर हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, वैसे भी बैंक स्टेटमेंट जो होती है डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती। आगे क्या कह रहा था, इट स्टॉप्स द वैल्यू ऑफ एसेट्स बीइंग overstated, तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ए वुड बी द राइट आंसर, 3 का आंसर होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे थे, एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, जब ये स्टार्ट हुआ ईयर, द ओनर्स कैपिटल कितना था, जी बैलेंस ऑफ 85,000, ये ओनर्स कैपिटल है। आगे क्या डेटा दिया हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड
The owner introduced to the business a private vehicle worth 30,000. तो ओनर एक नई गाड़ी बिजनेस में लाया, घर की गाड़ी बिजनेस में ले आया, तो ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल की एडिशनल इन्वेस्टमेंट है. इन एडिशन द ओनर मेड कैश ड्रॉइंग्स ऑफ 15,000. तो ये ड्रॉइंग्स है बेसिकली, ये ओनर पैसे घर ले गया और वो कह रहा है बिजनेस को लॉस हुआ है और हमने कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाला. तो बहुत आसान है बेटा, अगर आपको याद हो कि आपको ये पता है कि SOFP में कैपिटल वाला सेक्शन कैसे आता है. तो इसका फॉर्मेट होता है स्टार्टिंग विद ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ सकती है, नॉर्मली वो होती नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो वो भी लिखेंगे. उसके बाद बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा. फिर लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स से कैपिटल कम हो जाएगा तो क्या आ जाता है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल. तो बताएं बेटा स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास कैपिटल कितना पड़ा हुआ है, कैपिटल बैलेंस है 85,000, तो ये ओपनिंग हो जाएगा. एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या, ड्यूरिंग द ईयर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जी एक प्राइवेट गाड़ी, घर की गाड़ी वो बिजनेस में ले आया, उससे कैपिटल बढ़ जाएगा. इन एडिशन द ओनर मेड कैश ड्रॉइंग 15,000. सही है, वेदर ड्रॉइंग बेटा गुड्स की हो या कैश ड्रॉइंग हो, कोई भी ड्रॉइंग हो तो वो यहाँ पे आती है. और लॉस हुआ है, लॉस से बेटा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो क्या अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल. तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे किससे, ओपनिंग कैपिटल से, और प्लस माइनस करके क्लोजिंग आ जाएगा. तो ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं 85,000 और इसमें प्लस कर देते हैं प्रॉफिट कितना 30, और माइनस कर देते हैं लॉसेस कितने 22, और माइनस कर देते हैं बेटा ड्रॉइंग कितनी 15,000. तो कितनी आ गई हमारे पास, 78,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल. तो सी वुड बी द राइट आंसर. आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, अ बिजनेस हैज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, क्या कह रहे हैं, इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया व्हीकल परचेज एज व्हीकल रिपेयर. बेटा व्हीकल जो हमने बाय की वो एसेट था, हमने उसको एक्सपेंस बना दिया. द बिजनेस डज नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स इन द ईयर ऑफ परचेज. जिस साल एसेट बाय कर रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन लगती नहीं है, तो जिंदगी आसान हो गई हमारी. तो अगर आप देखें बेटा व्हीकल जो हमने बाय की है वो एसेट था लेकिन हमने गलती से उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, हमारा कम हो गया. तो बेटा वो कह रहे हैं हमने एक व्हीकल परचेस किया जो कि नॉन करंट एसेट है, गलती से हमने उसको एक्सपेंस में डाल दिया, तो एक्सपेंस हमारा ओवर हो गया, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, अंडर हो गया होगा. सही, प्रॉफिट कम हो गया. और ये जो गाड़ी है बेटा ये एसेट है, इसको हमने एसेट में डाला नहीं, तो एसेट भी क्या हो गए होंगे, अंडर हो गए. सही, एक्सपेंस बढ़ाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया और गाड़ी को एसेट को एक्सपेंस बनाने की वजह से एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया, और गाड़ी चूंकि रिकॉर्ड नहीं की तो उससे एसेट्स भी क्या होगा, अंडर होगा. सही, अब ये देखा गया है कि जो नए सवाल है ना इसमें इनकम स्टेटमेंट का फिर दोबारा नाम चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, और इनकम स्टेटमेंट की जगह आप कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो पुराना वाला नाम होता था ना अब वो दोबारा आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला. तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देखते क्या कह रहा है. नॉन करंट एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 वर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कितनी थी बेटा 5 लाख एंड ऑफ ईयर 1, साल के शुरू की बात कर रहा है. कह रहा है बेटा कैरिंग वैल्यू क्या थी 360. कैरिंग वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू. सही, NBV. तो बेटा 5 लाख का एसेट था, 360 डेप्रिशिएट सॉरी कैरिंग वैल्यू है, तो जो रिमेनिंग 140 होगा वो क्या होगा, वो होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ये पहले साल की बात है. ड्यूरिंग ईयर 2 बेटा अगला साल आ गया, सर्टेन एसेट वॉज सोल्ड, कुछ एसेट्स हमने बेचे. ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, जो एसेट बेचे उनकी 1 लाख और वो डेप्रिशिएट हो चुके थे 40 से, तो इसका मतलब उसकी प्रोविजन कितनी होगी 60. सही, और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द रिमेनिंग नॉन करंट एसेट इन ईयर 2 वर 30. इसका मतलब बेटा जो एसेट हमारे पास रह गए बेचने के अलावा ना, उन पे हमने इस साल फर्दर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है कितनी 30,000. तो बेटा कैरिंग वैल्यू निकालनी है, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2. हमने बताना है ईयर 2 के एंड पे SOFP में कितने एसेट आएंगे. तो वो बेटा सबसे पहले तो ओपनिंग वैल्यू देख लेते हैं. ओपनिंग जो एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख और कैरिंग वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है 360. तो हम बुक वैल्यू से ही चल लेते हैं, कैरिंग वैल्यू से. और बेटा इस साल हमने कोई एसेट बेचे वो माइनस कर देंगे डिस्पोजल. अच्छा, अब हम चूंकि बुक वैल्यू पे चल रहे हैं तो जो एसेट बेचा उसकी भी हम बुक वैल्यू लेंगे. 1 लाख की कॉस्ट थी और 40 डेप्रिसिएशन थी, तो बुक वैल्यू होगी 60. तो 360 में से 60 वाले एसेट तो बेच दिए, 3 लाख बच गए. और कोई नए तो नहीं खरीदे ना, नए नहीं खरीदे. और डेप्रिसिएशन से बेटा बताएं बुक वैल्यू और बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. डेप्रिसिएशन जब इस साल की रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा बुक वैल्यू और कम हो जाएगी 30,000 से. तो 360 में से 60 गया तो 3 लाख माइनस 30 270 जो है वो रिमेनिंग वैल्यू बच गई एट द एंड ऑफ ईयर. सही, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करें. आगे क्या कह रहे हैं सर, द कॉस्ट ऑफ रीपेंटिंग अ प्रॉपर्टी वाज डेबिटेड टू प्रॉपर्टी अकाउंट. बेटा प्रॉपर्टी को अगर हम रीपेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या बना रहे हैं, एसेट बना. अगर एक्सपेंस को एसेट बनाते हैं तो ये क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है.
सही। प्रिंसिपल और कमीशन में क्या फर्क होता है बेटा? प्रिंसिपल में अकाउंट भी गलत होता है और टाइप ऑफ अकाउंट या कैटेगरी या क्लास ऑफ अकाउंट भी गलत होता है। कमीशन में क्या होता है बेटा? अकाउंट गलत होता है लेकिन टाइप सही होता है। जैसे रेंट को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में डाल दिया, दोनों एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव को जो है वो रेंट रिसीव में डाल दिया, दोनों इनकम है। कैश को बैंक में डाल दिया है, दोनों करंट एसेट है। एक्स की जगह वाई का अकाउंट यूज किया, दोनों कस्टमर है या दोनों सप्लायर है, तो ये कमीशन होता है। कंपेंसेटिंग क्या होता है? व्हेन टू एरर्स कैंसल आउट ईच अदर। सही, जब दो या दो से ज्यादा एरर्स हों और इत्तेफाक से दोनों का इम्पैक्ट जीरो हो जाए प्लस माइनस, तो ये कंपेंसेटिंग होता है। ओरिजिनल एंट्री में अमाउंट गलत होता है दोनों जगहों पर, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। कह रहे थे ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस डिफरेंस और एंटर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। आपको पता है बेटा, जब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, जितने से बैलेंस नहीं होता, हम एक टेम्प्रेरी अकाउंट की मदद लेते हैं और उसका नाम क्या होता है? सस्पेंस। कह रहे द फॉलोइंग एरर्स आर फाउंड, व्हाट इज द करेक्टिंग डेबिट एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट? व्हाट इज द करेक्टिंग डेबिट एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट? हमने बताना है सस्पेंस अकाउंट में डेबिट एंट्री अब क्या बनाएंगे। तो बेटा जरा देख लेते हैं, पहले तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, एंट्रीज बना लेते हैं। कह रहे सर कैश पेमेंट किए 630 फॉर रेंट, क्या एंट्री बनाते हैं? रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, हैड बीन क्रेडिटेड इन द कैश बुक, मतलब कैश को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन डेबिट किसको कर दिया? इररिकवरेबल। इररिकवरेबल का कोई काम था नहीं था, तो इररिकवरेबल को हम क्या करेंगे? खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। सही, और रेंट को बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये हमने रेंट पे किया था ना, तो रेंट को डेबिट करने के बजाय किसको डेबिट कर दिया? Irrecoverable, तो irrecoverable को credit करेंगे, rent को debit कर देंगे। जी, तो बेटा क्या इसमें suspense आ रहा? पहली वाली में suspense नहीं आ रहा। ये कौन सा error होगा? ये error आप कह सकते हो ये commission का error है, क्योंकि दोनों expense है, rent भी expense है, irrecoverable debt भी expense है। सही, कह सकते हैं commission का error। Provision for depreciation को हमने overcast कर दी, तो इसका मतलब बेटा depreciation हमने क्या कर दी थी? ज्यादा लिख दी थी। सही है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हैव बीन ओवरकास्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है वो होता है कॉन्ट्रा एसेट, याद है? प्रोविजन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, ऐसे ही होता है। प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है। अब सेकंड एरर देखे बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने ओवर कर दिया। अब प्रोविजन आपको पता है कॉन्ट्रा एसेट होता है, इसका नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो हमने प्रोविजन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सही, अब हम प्रोविजन को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया ना, अब उसको कम करने के लिए डेबिट करेंगे और सस्पेंस क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे। अब थर्ड वाले देखते हैं, वो कह रहे हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पीएलसीए का जो बैलेंस हैव बीन इंक्लूडेड एज अ डेबिट बैलेंस। आपको पता है पीएलसीए नॉर्मली बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर एक ही बैलेंस होता है तो पीएलसीए का नीचे क्रेडिट होता है, लेकिन हमने इसको डेबिट लिख दिया, तो अब हम इसको डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दें। ऐसे ही, तो 48,300 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 48,300 मल्टीप्लाई बाय 2, 96,600 से अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, और अगर क्रेडिट हो रहा है 96,600 तो सस्पेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 96,600 सस्पेंस डेबिट। कह रहे व्हाट इज द करेक्टिंग डेबिट एंट्री टू द सस्पेंस अकाउंट? अगर आप देखो, हमने 96,600 से डेबिट करना है और क्रेडिट कितने से करना है? 960। तो बेटा डेबिट और क्रेडिट को माइनस करें, बताएं डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? 96,600 में से 960 माइनस कर दो जी, कितना आ रहा है बेटा? 95,640। ऐसा ही, 95,640 हमें डेबिट करना चाहिए, क्योंकि डेबिट ज्यादा है ना, क्रेडिट कम। क्या कह रहे बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बीआरएस बनाने का बेटा फायदा क्या है? एक्ट एज अ डिटेरेंट टू फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड को रोकती है, बात सही है। आइडेंटिफाई आउट ऑफ डेट चेक, आउट ऑफ डेट चेक भी पता लग जाते हैं। आउट ऑफ डेट चेक क्या होता है भाई? क्या हमने जो है वो चेक इशू किया है लेकिन ये अभी तक जो है वो कस्टमर्स सप्लायर्स ने कैश नहीं करवाए, और प्रिवेंट द बिजनेस गोइंग इनटू ओवरड्राफ्ट। ऐसा तो कोई सीन नहीं है ना, अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो कभी ओवरड्राफ्ट होगा ही नहीं। प्रोवाइड नहीं, वो कह रहे प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब आप रोक रहे हैं कि आपका बिजनेस ओवरड्राफ्ट में जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता। ओवरड्राफ्ट में फिर भी जा सकता है, मतलब जो कंपनीज बैंक रिकंसिलिएशन बनाती है, क्या उनका ओवरड्राफ्ट हो नहीं सकता? ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो बेटा करेक्ट बैलेंस पता लग जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बिल्कुल। आपको पता है एसओएफपी में जो हम बैलेंस लेते हैं वो कौन सा बैलेंस लेते हैं? बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। तो 1, 2 and 4 बेटा बी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 4। कह रहा है एट द मंथ एंड द बिजनेस बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12697।
बेटा अगर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव बैलेंस होता है. डज नॉट एग्री विद द कैश बुक बैलेंस. द फॉलोइंग डिफरेंस फाउंड. व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस बिफोर द नेसेसरी करेक्शंस वर मेड. बिफोर द नेसेसरी करेक्शंस वर मेड का क्या मतलब है? हमें अपडेट होने से पहले वाला बैलेंस निकालना है, सही है ना? तो अगर आप देखें बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पहले हम इसके लिए वो बना सकते हैं BRS. BRS से अगर हमें जैसे BRS का फॉर्मेट होता है बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, याद है, ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड, लेस करते हैं अनक्रेडिटेड, तो फाइनल आंसर क्या होता है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. तो बैंक स्टेटमेंट ना, तो मुझे बताएं ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ. क्रेडिट बैलेंस का मतलब बेटा ये पॉजिटिव बैलेंस है 12697. अच्छा आप एक एक करके पढ़ते हैं. अच्छा है कि रिसीव 7170 वाज एंटर्ड दिस इन द कैश बुक. तो ये तो कैश बुक का एरर है ना, तो ये तो यहाँ नहीं आएगा, ये अपडेटेड कैश बुक में आएगा, आएगा. सही है. कह रहे बेटा अ चेक पेड 2400 हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक. अ चेक पेड इन. पेड इन का मतलब बेटा ये पैसे हमने अकाउंट में डाले हैं या हमने चेक किसी को दिया है? दिया है. हमने पैसे अकाउंट में डाले. अ चेक पेड इन हैड नॉट बी क्लियर्ड. क्लियर्ड या अनक्लियर्ड है ना? अनक्लियर्ड होता है अनक्रेडिटेड. अनक्लियर्ड क्या होता है भाई? अनक्रेडिटेड होता है. नहीं डिसऑनर्ड ये नहीं होता. डिसऑनर्ड अलग चीज होती है, सही है ना? डिसऑनर्ड ये है कि भाई के कस्टमर का चेक ऑनर ही नहीं किया बैंक ने, ये तो क्लियरिंग में गया हुआ है ना. अनक्लियर्ड का मतलब अभी क्लियरिंग में गया हुआ. तो बेटा अनक्रेडिटेड को हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर, सही, अनक्रेडिटेड को माइनस कर देते 2400. स्टैंडिंग ऑर्डर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट हैड नॉट बीन पेड बाय द बैंक. अच्छा ये जरा देखिए, थोड़ी सी मुश्किल बात है. नॉर्मली तो क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर वो होता है जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है लेकिन हमारे पास नहीं रिकॉर्ड हुआ हो, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. ये कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर ये ऐसा है कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमें पता था कि इस डेट को ये पैसे जाएंगे, लेकिन ये अभी तक बैंक ने अभी तक जो है ये पैसे दिए नहीं है पार्टी को, ठीक है? अजीब सी बात है. नॉर्मली तो क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर वो होता है कि जो बैंक में से पैसे कट गए लेकिन हमें नहीं इसका पता था, तो हम अपने पास कैश बुक में इसको अपडेट करेंगे. लेकिन ये कैश बुक में तो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये बैंक में नहीं हुआ, तो समझ लें ये अनप्रेजेंटेड की तरह की चीज लग रही कि हमने सप्लायर को चेक दे दिया लेकिन उसने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, ऐसा ही है ना? उसी तरह की चीज लग रही है कि हमने अगर चेक दिया तो हमने तो अपने पास से माइनस कर दिया होगा कि पैसे चले गए, लेकिन उसने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, तो हम इसको ऐड बैक कर देते हैं. क्या कर देते हैं? तो ये अनप्रेजेंटेड की तरह की चीज है, इसको हम ऐड बैक कर देते हैं. क्यों? क्योंकि बेटा कैश बुक में से हमने माइनस कर दिए थे पैसे लेकिन बैंक में से अभी तक पैसे गए नहीं है, इसलिए इसको हम ऐड बैक कर देते हैं. कह रहा है बैंक इंटरेस्ट पेबल 642 हैड नॉट बीन रिकॉर्ड एंटर्ड इन द कैश बुक. क्या कह रहा है बेटा? बैंक इंटरेस्ट पेबल, हमने इंटरेस्ट पे किया है लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये यहाँ तो नहीं आएगा ना, ये तो आएगा हमारा अपडेटेड कैश बुक में. जी रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं. कैसे करेंगे बेटा? अगर बैंक स्टेटमेंट से चलें तो जो अनक्रेडिटेड माइनस हो रहा था उसको प्लस करेंगे और जो अनप्रेजेंटेड प्लस हो रहा था उसको माइनस करेंगे. लॉजिक क्या है बेटा? लॉजिक ये, बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं 12697. हमने बैंक को बोला तुम झूठ बोल रहे हो. क्यों? क्योंकि दो टेम्पररी डिफरेंस है. तो बताओ ये जो कस्टमर का चेक है अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा. कस्टमर ने ये हमें पैसे दिए, ये पैसे हमने बैंक में डाले हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, सही है, अनक्रेडिटेड है ना. जब ये क्रेडिट हो जाएगा तो हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा. प्लस कर दो कितना? 2400. सबर कर दो, 2400 प्लस कर लो. और अनप्रेजेंटेड क्या है बेटा? अनप्रेजेंटेड का मतलब है हमने जो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था हमने अपने पास एंट्री बना ली है लेकिन बैंक ने नहीं बनाई, तो क्या बैंक पागल है, भूल जाएगा इसको बनाना? सही, आज नहीं तो कल बना देगा ना. जैसे ही बैंक की एंट्री बनाएगा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो कहाँ पहुंच गए बेटा? 14647. मुझे बताएं ये जो 14647 है ये क्या अपडेट होने से पहले वाला बैलेंस होता है या बैलेंस इस पर अपडेटेड कैश बुक होता है? ये बैलेंस इस पर अपडेटेड होता है, लेकिन हमसे क्या मांगा है? व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस बिफोर द नेसेसरी करेक्शंस वर मेड. इसका मतलब अपडेट से पहले वाला मांगा है. अपडेट हो चुका है पहले से. जी ये वाला जो बैलेंस होता है ना ये अपडेटेड वाला होता है, याद है. BRS का जो फॉर्मेट होता है इसमें हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एस पर अपडेटेड कैश बुक से, ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड, लेस करते हैं अनक्रेडिटेड, तो क्या आ जाता है? बैलेंस एस पर बैंक स्टेटमेंट. अगर हम कैश बुक बना लें तो ये वाला बताएं पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो पॉजिटिव बैलेंस ओपनिंग कहाँ आएगा? डेबिट पे. क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? क्रेडिट पे. तो अपडेट करने के बाद क्या बैलेंस आ रहा है बताएं? 14647. अब बताएं कोई ऐसी एंट्री है जो अभी तक हमने नहीं बनाई जो कि कैश बुक में आनी चाहिए? ये वाली ना, ये जो एरर आ रहा है और ये वाला भी. तो बेटा अगर चेक रिसीव हुआ था कितना?
7170, लेकिन हमने कैश बुक में कितना डेबिट कर दिया होगा? 7710। तो बताओ हमने एरर जो किया है, हमने अपने पास ज्यादा डेबिट कर दिया था या कम? बताए पैसे आए कितने थे बेटा? 7170, लेकिन हमने कितना डेबिट कर दिया था? 7710। तो 540 बेटा हमने ज्यादा डेबिट कर दिया था, अब ये एरर था ना, तो 540 से अब हम कैश बुक को अपने बैंक को कम कर देंगे, ऐसा ही है ना। और बेटा बैंक इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो इससे बैंक बढ़ जाएगा 642 या कम हो जाएगा? इंटरेस्ट पेड से बेटा बैंक कम हो जाएगा। तो अभी काम करें, इन तीनों को ऐड करें तो क्या ये हमारा बैलेंस बीडी बन जाएगा? अपडेट करने से पहले वाला बैलेंस बताना है कैसा है जी। 540 प्लस 642 प्लस 14 क्या है? 647 जी, 15829। तो डी इज द राइट आंसर। तो थोड़ी सी मुश्किल बात थी, तो इसमें दोनों काम करवाए, इसने अपडेटेड कैश बुक भी बनवाई आपसे और बैंक स्टेटमेंट भी बनवाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है विच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीएलसीए एज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है। कह रहा है विच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखें जी क्या कह रहा है। कंपेंसेटिंग एरर विद इन द परचेज लेजर कैन बी फाउंड मोर इजिली। भाई देखो कंपेंसेटिंग एरर इतनी आराम से नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि कंपेंसेटिंग एरर जो है वो कंपेंसेट हो जाता है, एक चीज को बढ़ा दिया एक चीज को कम कर दिया, तो वो इजीली फाउंड नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन विद इन द परचेज लेजर विल बी व्हाट? एरर ऑफ कमीशन को आप कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि इसमें कस्टमर के नाम सप्लायर के नाम थोड़ी होंगे। अगर हमने ए की जगह बी के नाम में एंट्री बना दी तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। ऑनेस्टी ऑफ स्टाफ वर्किंग ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रेड पेएबल इज चेक। तो ये बात हो सकती है, उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि हम जो है वो एक तो बना रहे होंगे क्या चीज, इंडिविजुअल परचेज लेजर, और एक पीएलसीए बना रहे होंगे, सही है, दोनों बना रहे होंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर मिस्टेक किए किसने, इंडिविजुअल वाले ने, सही है ना, परचेज लेजर वाले ने, तो उसको कौन पकड़ेगा? कंट्रोल अकाउंट वाला, जनरल लेजर वाला। और अगर मिस्टेक किए कंट्रोल अकाउंट बनाने वाले बंदे ने, जनरल लेजर वाले ने, तो वो पकड़ लेगा उसको कौन? इंडिविजुअल अकाउंट वाला। द टोटल अमाउंट ओइंग टू ट्रेड पेबल कैन बी एसरटेन्ड फाइंड आउट क्विकली। बिल्कुल, तो पीएलसीए से हमें ये पता लग जाता है बैलेंस सीडी के हमने टोटल सप्लायर को कितने पैसे देने। तो बेटा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं जी क्या कह रहा है। द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एसएलसीए की बात हो रही है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ अ ट्रेडर शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 28,500 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। बेटा कस्टमर्स से हम कितने पैसे मांगते हैं एसएलसीए के हिसाब से? 28,500। दिस डिड नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स इन द सेल्स लेजर, मैच नहीं हो रहा। फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। वो कह रहा है विच फिगर शुड बी यूज्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें बताना है इनमें से सही बैलेंस कौन सा होगा। अब देखते हैं बेटा एक एक करके, स्टार्ट किससे करेंगे? 28,500 से। कह रहा है अ डिसऑनर्ड चेक फॉर 300 फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर हैड बीन एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसएलसी। तो बेटा एसएलसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर कस्टमर का चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम डेटर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? डेटर को हम डेबिट करेंगे, लेकिन हमने वो कह रहे हैं जो है वो गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट पे लिख दिया। तो अब डबल अमाउंट से हमने एसएलसी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो 300 प्लस 300 600 से हमने एसएलसी को बढ़ाना पड़ेगा, कितना हो गया बेटा? 29,100। कॉन्ट्रा एंट्री है 500 की, एंट्रेड करेक्टली इन द सेल लेजर हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम कंट्रोल अकाउंट। तो बताओ कॉन्ट्रा से एसएलसीए या पीएलसीए दोनों बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? कॉन्ट्रा से कम हो जाते हैं। तो बेटा 500 माइनस कर दो, ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट हो गई। कॉन्ट्रा का मतलब बेटा एक कस्टमर और एक हमारी पार्टी है जो हमारा कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो हम दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं, दोनों को कम करते हैं, एसएलसीए क्रेडिट पीएलसीए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड था कितना जी? डिस्काउंट अलाउड था बेटा 700 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कंट्रोल अकाउंट। तो बेटा डिस्काउंट अलाउड से डेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कम कर दें। कितना रह गया बेटा? 27,900। तो बी इज द राइट आंसर, सही है। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं। स्टार्ट ऑफ ईयर वन, स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑन 1st January बिजनेस एट इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी विच हैड कॉस्ट दिस। इन्वेंट्री इतनी पड़ी हुई थी और ऑन दैट डेट 1200 वाज ओड टू सप्लायर। तो एक प्रीपेड बैलेंस है बेटा स्टेशनरी का, सही है, क्योंकि इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो ये प्रीपेड होगी। और एक अक्रूड बैलेंस दिया हुआ है ओड टू सप्लायर। और रिक्वायरमेंट क्या बेटा? विच फिगर शुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें बताना है बेटा इनकम स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी हमारे लिए इनकम होती है, एक्सपेंस बताएं,
स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस होती है, एक्सपेंस में पाप अकाउंट बनाते हैं या आपका अकाउंट बनाते हैं? जी देखे बेटा, पाप अकाउंट याद है, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड, प्रीपेड। बेटा जब स्टेशनरी बाय करेंगे क्या एंट्री बनाएंगे बताओ? स्टेशनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट। और वैसे क्या होगा बेटा, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, लेकिन ईयर एंड पे स्टेशनरी को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही है ना? यस। पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही। तो बेटा आप बताएं, स्टार्ट ऑफ द ईयर इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है स्टेशनरी की? 3740। तो जो इन्वेंट्री बची हुई है वो प्रीपेड होगी ना? Yes. और बेटा ओइंग टू सप्लायर कितना है, हमने कितने पैसे देने हैं सप्लायर को? 1200। और कह रहा है इस साल टोटल कितना पे किया स्टेशनरी का? 38800। ये बैंक आ जाएगा। कह रहा है सम ऑफ द ओल्ड स्टेशनरी वाज सोल्ड टू स्टाफ। भाई ये क्या सीन है, स्टेशनरी हमने स्टाफ को बेच दी 240 में। तो बेटा स्टेशनरी आ रही है बिजनेस में से या जा रही है? अगर बेच दी तो स्टेशनरी को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 240। और इसको हम जो है वो सेल्स लिखते हैं या स्टाफ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सही है ना? ये हमने बेच दी। डिस्पोजल नॉर्मली उसके लिए होता है, नॉन करंट एसेट के लिए ना। कह रहे एट द एंड ऑफ ईयर द बिजनेस सेट इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, कितनी स्टेशनरी अभी भी बाकी है? 4200। ये प्रीपेड हो जाएगा और ईयर एंड पे ओइंग हो जाएगा 1800 है ना। तो बेटा आप इसको सॉल्व करके प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू बता सकते हैं इनकम स्टेटमेंट की, सही है? अब बेटा इसको टोटल कर लेते हैं। बेटा देखें, 3740 प्लस 38800 प्लस 1800, तो बड़ी साइड कितनी आ रही है? 44340। इसमें से माइनस कर दें 1200 और 240 और 4200, कितना आ गया? 38700। सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? एक्सपेंस अकाउंट बनाया, पाप अकाउंट। और कह रहा बेटा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, सही है, और फॉर द फाइनेंशियल ईयर कह रहा हाउ मच वुड बी चार्ज टू रेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सही है, आसान है। तो इसके लिए पाप अकाउंट भी बना सकते हैं या आप डायरेक्टली भी वर्किंग कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? हम रेंट पेड से कितना रेंट पे किया है? 41000। तो आपने एक निमोनिक पढ़ा होगा, APPM, यार अपना प्राइम मिनिस्टर, अक्रूड प्लस प्रीपेड माइनस। तो ये एडवांस क्या होता है, प्रीपेड या अक्रूड? एडवांस प्रीपेड, एडवांस प्रीपेड होता है। तो बताएं ईयर एंड पे प्रीपेड क्या होता है, प्लस या माइनस? ईयर एंड पे बेटा प्रीपेड माइनस होता है। अगर एंडिंग प्रीपेड माइनस हो रहा है तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसा ही है ना? अगर एंडिंग प्रीपेड बेटा माइनस हो रहा है तो ओपनिंग प्रीपेड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेटा 4000 में 41000 प्लस कर दें, 45 हो गया, इसमें से 7000 माइनस कर दें, 38000 आ गया आपका। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 में देखिए बेटा क्या कह रहा है, व्हिच आइटम वुड अफेक्ट सोल ट्रेडर्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या चीज अफेक्ट करेगी? वो चीज अफेक्ट करेगी जो जीपी से पहले आएगी। क्या कैरेज इनवर्ट जीपी से पहले आता है? बिल्कुल आता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस में आता है, वो तो जीपी के बाद आता है। कमीशन रिसीव बेटा ये अदर इनकम है, ये भी जीपी के बाद आती है, एड अदर इनकम। ट्रेड डिस्काउंट अफेक्ट करेगा, कैसे? ट्रेड डिस्काउंट बेटा अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उससे परचेज कम हो जाएगी, याद है? और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को, मेरे भाई आपको पता है दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, सही है ना? कैश डिस्काउंट जो है वो अलाउड और रिसीव होता है, सही है ना? या तो एक्सपेंस में आता है अदर इनकम में आता है। ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे डायरेक्टली रिकॉर्ड होता ही नहीं है कहीं, लेकिन बेटा होगा ये है कि अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, सही है, कहाँ से? सप्लायर से। तो हमारी परचेज कॉस्ट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। परचेज कम होगी तो जीपी पे इफेक्ट होगा ना, सही? और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं किसको? अपने कस्टमर्स को, तो उससे सेल्स कम हो जाएगी, सही है? सेल्स कम होने से भी जीपी इफेक्ट होगा। तो 1 and 4 बेटा आंसर आ गया, ए 1 and 4। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा डेफिनेटली हमारे जो है वो सेल्स और परचेज को अफेक्ट करता है। अब 16 में बात करते हैं। 16 में क्या कह रहा है बेटा, जॉन एंड मैरी आर इन पार्टनरशिप, सही है, आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, एक साल हो गया, द करंट अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स हैव अ डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? नॉर्मली क्रेडिट होता है बेटा, लेकिन अगर करंट अकाउंट डेबिट में आ गया तो अब नॉर्मल बैलेंस है। इसका मतलब बेटा अब बिजनेस ने पार्टनर्स को पैसे देने या बिजनेस ने पार्टनर्स से पैसे लेने लेने ना, तो ये कब होगा बेटा? डेबिट बैलेंस क्यों होता है? या तो उन्होंने ड्रॉइंग ज्यादा कर ली, या तो उनको लॉस हो रहा होगा उसकी वजह से डेबिट। सैलरीज दे आर एंटाइटल टू, तो सैलरी जो है वो अगर हमने उनको देनी है वो तो क्रेडिट पे आएगी ना, सैलरी से तो उनका करंट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, सही, जो एंटाइटल्ड है। और जो ड्रॉइंग कर ली या सैलरी जो ड्रॉ कर ली उससे डेबिट होगा। तो 1 and 2 बेटा बी इज द राइट आंसर। 16 का आंसर है बी।
17 में क्या कह रहा है बेटा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अ पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच वाज प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद है बेटा आपको? एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट फॉर द ईयर से, याद है? प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें निकालना है और उसमें हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, याद है? लेस करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करते हैं बेटा सैलरी, और फिर जो बच जाता है वो कहलाता है रेजिडुअल प्रॉफिट, और फिर उसको हम लेस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट को या ऐड कर लेते हैं शेयर ऑफ लॉस को, सही है ना? तो जी, तो ये आ गया हमारे पास रेजिडुअल लॉस, बच गया ना हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट या रेजिडुअल लॉस। तो अब आप मुझे बताएं बेटा, क्या बाकी सारी चीजें हमें गिवन है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना था बेटा बताएं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 700, ये ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है? 27,000। सैलरीज कितनी है? 5,000, सही है? ड्रॉइंग यहाँ पे नहीं आती, और रेजिडुअल लॉस कितना है बेटा? रेजिडुअल लॉस है हमारा 3,000। तो क्या आप इसको सॉल्व करके प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल सकते हैं? 34,300 यार, इसका आंसर आ रहा है 17 का सी आंसर आ रहा है, सही है? 28,300 आएगा, चेक करें जरा, उल्टा चलेंगे ना सर जी, चेक करें तो 3000 माइनस करेंगे ना, अच्छा माइनस 3000 क्योंकि ये रेजिडुअल लॉस है ना, तो इसमें हम ऐड शेयर ऑफ लॉस करते हैं ना, तो ये थोड़ी सी मुश्किल बात है भाई। अच्छा, अगर आप सबको प्लस करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा ना, 30-35 तो बेटा जैसे होता ये है कि रेजिडुअल, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, सुने बेटा, जैसे नॉर्मली क्या होता है बेटा, रेजिडुअल प्रॉफिट होता है ना, तो उसको हम करते हैं लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद है? और अगर रेजिडुअल लॉस होता है तो हम इसको करते हैं ऐड शेयर ऑफ लॉस, याद है? ऐड शेयर ऑफ लॉस जो है वो ऐड कर देते हैं। तो कितना है बेटा शेयर ऑफ लॉस? 3000। तो अब एक काम करते हैं बेटा, हम 3000 से चलेंगे, और ये माइनस में है ना, माइनस में लेना जी, माइनस में लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लॉजिक भी जरा समझ लेना, लॉजिक माइनस 3000 में ऐड कर दें 5000 प्लस 27000 प्लस 27000 29 हो गया, और माइनस कर दें इसमें से 700, तो ये आ गया 28,300। तो सबसे आसान बात ये है कि बेटा अगर आपका आंसर आ भी गया ना, तो उसको आप रीचेक कर लें। रीचेक कैसे कर लें कि बेटा प्रॉफिट हमने कमाया 28,300, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितना हो गया प्रॉफिट 29, 29 में से अगर हमने एक 27 दे दिया और एक 5000 दे दिया, तो अब नेगेटिव आएगा रेजिडुअल लॉस, तो उसमें हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट आ रहा था। तो क्या आंसर बन गया बेटा? सी इज द राइट आंसर। कह रहे लिमिटेड कंपनी इंटेंड टू इशू शेयर्स एट अ प्राइस अबव द पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है बेटा? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। व्हिच आइटम्स अपार्ट फ्रॉम द बैंक बैलेंस विल बी अफेक्टेड बाय द शेयर इशू? क्या कह रहा है बेटा? शेयर इशू करने एट अ प्राइस अबव पार वैल्यू, क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो बेटा बैंक तो होगा ही होगा, इसके अलावा शेयर कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल रिजर्व बढ़ेंगे, ऐसा ही है ना? तो एक तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जो शेयर प्रीमियम होता है और रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट नहीं होता। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ। क्या है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अगर आप देखें ओपनिंग इक्विटी दी हुई है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड पेड है, डिविडेंड प्रपोज है, आपको पता है प्रपोज नहीं आता इसमें। 30 जून में एक बोनस इशू किया है 20,000 शेयर्स ऑफ $1 ईच, और वो कह रहा है ईयर एंड पे द फॉलोइंग डिसीजन मेड, व्हाट इज द टोटल इक्विटी आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड। हमें बताना है बेटा क्लोजिंग में टोटल इक्विटी कितनी होगी। तो स्टार्ट करेंगे बेटा ओपनिंग से, ओपनिंग कितना दिया हुआ है 492, टोटल कॉलम बना रहे। प्रॉफिट से बेटा इक्विटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? बढ़ जाती है, और डिविडेंड जब पे करेंगे तो इससे इक्विटी कम हो जाएगी, और डिविडेंड प्रपोज जो है वो नहीं आएगा। और बेटा जब हम बोनस इशू करते हैं तो इससे ओवरऑल इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? एक चीज बढ़ जाएगी शेयर कैपिटल, और एक चीज कम हो जाएगी शेयर प्रीमियम या जो भी है जनरल रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम का यूज करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं बेटा? ईयर एंड पर द बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट 250। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 200 और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन थी 50, तो 2 लाख में से 50 माइनस कर दें तो कैरिंग वैल्यू कितनी थी? कैरिंग वैल्यू 150 थी, और 150 की चीज को हम 250 पे जा रहे हैं, तो 1 लाख से बेटा रिवैल्यूएशन जरूर बढ़ जाएगा। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं,
1 लाख से नया रिजर्व क्रिएट हो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर हम ट्रांसफर करें जनरल रिजर्व में तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक चीज बढ़ेगी और एक चीज कम हो जाएगी। तो बेटा 492 पहले था कैपिटल, 7500 से बढ़ गया, और 24 से बेटा हमारा कैपिटल कम हो गया और 1 लाख से बढ़ गया। 638500 बेटा इज द राइट आंसर, डी आंसर 19। तो देखने मुश्किल लग रहा था, इतना मुश्किल है नहीं सर। कह रहा है बिजनेस रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 17 टाइम्स। आपको पता है इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम्स में अगर निकालना हो, कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है ना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री आता है। और अगर ये हमें टाइम्स के बजाय डेज में बताता तो फिर न्यूमरेटर में आ जाता एवरेज इन्वेंट्री। रेसिप्रोकेट कर देते इसको भाई, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल इनटू 365। तो बेटा जो 20 क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं वो आते हैं फाइनेंशियल के, इसमें 21 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने फाइनेंशियल के, और बाकी फिर कॉस्टिंग है। कह रहा है बेटा यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जितना दिया हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है बेटा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है, और फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है बेटा, हमारा इंटरेस्ट होता है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा अपना पैसा भी आता है, गैरों का पैसा भी आ जाता है, तो हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लेंगे, इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। पहला फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल जो इक्विटी एंड रिजर्व्स है, हाँ इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दो फॉर्मूले। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, अगर हम टोटल एसेट्स को ऐड करें उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करें उससे भी यही आंसर आना चाहिए, और इक्विटी एंड रिजर्व से दोनों से करके देख लेते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स ऐड करें कितने हो गए बताएं, 1350 और 140, बताएं कितने आ गए टोटल एसेट्स, 1350,000 प्लस 140, टोटल एसेट कितना हो गया 1490। करंट लायबिलिटी कितनी बेटा, 90 माइनस करें इसमें से, सही 1400 आ रहे हैं हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरे तरीके से करके देखते हैं, दूसरे तरीके के इक्विटी एंड रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी एंड रिजर्व में क्या आ जाएगा बेटा, एक तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, एक जनरल रिजर्व आ जाएगा, एक रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, और एक लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करके देख लें, 900 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150, तो देखें सेम आ गया 1400। सही, दो तरीके हैं, या तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करें उससे भी 1400 आ रहा है, या इक्विटी एंड रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी करें उससे भी 1400,000 आ रहा है। 1400,000 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे तो बेटा 65,000 हमने कमाया, कितनी इन्वेस्टमेंट पे, 1400,000 की इन्वेस्टमेंट पे 14 लाख पे 65,000 कमाया। कितना परसेंट आ रहा है बेटा, 4.64% बता रहे भाई, ये आ गया हमारा बी इज द राइट आंसर 21। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉस्टिंग के सवाल आ गया बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द चेंजेस इन एक्टिविटी, ये बात बिल्कुल सही है, पॉइंट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, बेटा जिस प्रोपोर्शन में यूनिट चेंज होंगे उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट भी चेंज होगी। कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एज अ कॉन्स्टेंट proportion of total cost when output changes, बेटा fixed cost remain as a constant proportion to total cost, constant proportion नहीं रहता, fixed cost change होती रहती है, सही है, मतलब total fixed cost तो same रहती है, लेकिन अगर production cost के मुकाबले में देखें तो हमारी जो है वो fixed cost क्या होती जाती है, कम होती जाती है, सही है ना। और वो कह रहा है semi variable cost ऐसी होती है, इसमें variable fixed दोनों होता है, इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये बात गलत है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सेमी वेरिएबल नहीं होती, क्योंकि सेमी वेरिएबल में फिक्स भी होती है। बेटा एग्जांपल सेमी वेरिएबल की है कि जैसे टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो एक आपको लाइन रेंट देना है या मीटर रेंट देना है वो फिक्स है, और जितनी कॉल या वो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल चार्जेस अलग है। स्टेप कॉस्ट जो होती है इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, स्टेप फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है खास एक्टिविटी लेवल तक, और अगर कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़े तो कॉस्ट में फिर क्या आता है, स्टेप अप आता है। जैसे एग्जांपल दी थी बेटा कि एक क्लासरूम में 10 बच्चे आ सकते हैं, तो 10 बच्चों के लिए हमने एक टीचर रखा हुआ है, और जैसे ही नंबर ऑफ बच्चे 10 से बढ़ेंगे तो अब हमें दो टीचर चाहिए, तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट की एग्जाम्पल होगी। और एक सवाल इसका आता है बेटा लेबर कॉस्ट का, जरा देख लें क्या करें, मैन्युफैक्चरर ऑपरेट्स अ बोनस सिस्टम, ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आउटपुट रिक्वायर्ड कितना है हर वर्कर से 175, टाइम कितना अलाउ किया है, सही है,
मतलब 10.5 घंटे अलाउड है 175 यूनिट बनाने के लिए, ऐसा ही है ना? और एक्चुअल टाइम 10.5 घंटे अलाउ किए थे, लेकिन फ्रेड ने यही काम कितने टाइम में कर दिया? 7 घंटे में, सही है? कह रहे बोनस दिया जाएगा 25% ऑफ द लेबर कॉस्ट फॉर टाइम सेव्ड इन एडिशन टू द अर्ली रेट। इसका मतलब बेटा बोनस कितने देंगे? जितना टाइम बचाया उसका हम आपको देंगे 25% बोनस। तो हमने बताना है बेटा उसने कितने पैसे कमाए। सबसे पहले तो बता दें कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी। बेसिक पे ये बनेगी कि उसने कितने घंटे काम किया? 10.5 घंटे नहीं, उसने काम किया 7 घंटे, ऐसे ही है ना? उसने 7 घंटे काम किया और 1 घंटे का जो नॉर्मल रेट है वो कितना है? वो है $8.75। तो बता दे भाई इसके कितने पैसे बनेंगे 7 घंटे के 8.75 के हिसाब से। ये तो बेसिक हो गया 61.25। फिर उसको बोनस भी दिया जाएगा। बोनस के बारे में क्या बताया? वो कह रहे जितना टाइम बचाओगे उसका 25%। तो बेटा 10.5 घंटे का काम अगर 7 घंटे में कर दिया तो कितने घंटे बचाए? 3.5 घंटे, सही। और 25% इसका मतलब बेटा अगर बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करें तो वो 8.75 होगा, और फिर इसका 25% निकाल लें, ऐसा ही है ना? तो बेटा 3.5 घंटे जो आपने हमारे बचाए, अगर इसका पर घंटे का नॉर्मल रेट लें तो 8.75 से इतना बनता है 30.65, लेकिन हम पूरा नहीं देंगे आपको, हम सिर्फ आपको इसका देंगे 25%, तो 7.66। तो 7.66 बेटा आपका बोनस बनेगा, और नॉर्मल आपको कितने मिलेंगे? 61.25 मिलेंगे, दोनों को ऐड कर दें तो टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 68.91। तो ए वुड बी द राइट आंसर बेटा। अ जॉब कॉस्ट शीट शोड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। अगर आप देखो ये डेटा दिया हुआ है, कह रहे द जॉब एक्चुअली टोक 25% मोर लेबर आवर्स देन वर एस्टिमेटेड। बेटा हमने जो सोचा था इतना एस्टिमेट लगेगा उससे 25% ज्यादा टाइम लगा। हमने बताना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा। तो अब पता है बेटा मटेरियल तो उतना ही लगा होगा जितना हमने सोचा था। कितना मटेरियल लगा? 680। अब आ जाते हैं लेबर पे। यार हमने सोचा था कितनी लेबर लगेगी? 200। अगर 25% टाइम ज्यादा लगा तो मुझे बताएं कि 25% लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगे। डायरेक्ट कॉस्ट तो ऐसी होती है ना। तो बेटा अगर 25% बढ़ा दें तो 250 हो जाएगी लेबर या नहीं? अब आ जाते हैं ओवरहेड्स पे। ओवरहेड में ये कह रहा था कि बेटा ओवरहेड लग रहा है 10 पर लेबर, सही है? तो मुझे बता सकते हैं कितने घंटे पे लगा होगा? 10 पर लेबर आ रहा है तो 100 का अगर ओवरहेड लगा है और 10 पर आ रहा है तो 10 घंटे लगे होंगे। इसका मतलब ओरिजिनल एस्टिमेट था कि 10 घंटे लगेंगे, लेकिन इस बार 25% ज्यादा टाइम लगा। तो अगर 25% ज्यादा टाइम लगा तो ओवरहेड भी 25% बढ़ जाएगा इसकी वजह से, सही है ना? ओवरहेड भी बढ़ जाएगा, या तो 100 का 25% बढ़ा दे। द जॉब एक्चुअली टोक मोर लेबर आवर्स देन एस्टिमेटेड, तो कितना हो जाएगा ओवरहेड? 25% बढ़ा दें 125। तो अब इन सबको ऐड कर दे बेटा, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी? ऐड कर दे 680 प्लस 250 प्लस 125, एक्चुअल कॉस्ट लगी बेटा 1055। और मुझे बताएं कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है? ये तो एक्चुअल कॉस्ट हो गई, सेलिंग प्राइस है 1260। तो बेटा अगर हमें कस्टमर इस जॉब को पूरा करने के 1260 दे रहा है और हमारा खर्चा हुआ है 1055, तो बताए कितना प्रॉफिट हुआ? 205 का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, सही। यहाँ पे प्रॉफिट 280 होना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया हमारा 75 से। क्यों? क्योंकि हमारी लेबर बढ़ गई, इसकी वजह से ओवरहेड भी ज्यादा लगा। कह रहे जी जी, क्वेश्चन नंबर बेटा 25 में देखिए क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल बेसिस टू अपोर्शन पावर कॉस्ट बिटवीन द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो पावर कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। जितनी महंगी मशीनरी है जरूरी है कि वो इतना ज्यादा पावर का है? जरूरी तो नहीं है। आजकल तो ये होता है जितनी महंगी गाड़ी है वो हाइब्रिड गाड़ी है, तो वो फ्यूल कॉस्ट एफिशिएंट होती है ज्यादा। मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगा कितना पावर खाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितना ज्यादा काम कर रहे हैं, या नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट होगा जितने ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतना पावर ज्यादा यूज होगा, जितने कम यूनिट बनाएंगे उतना पावर। जी बेटा 26 में देखे भाई क्या कह रहे हैं। 26 में कह रहे हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक्स सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आप दो बना लो, हमने मना किया। आगे क्या कह रहे हैं बेटा? आगे कह रहे हैं इट हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? मशीनिंग और असेंबली, और एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस बाकी दो डिपार्टमेंट्स को। तो अगर आप देखो यहाँ पे ओवरहेड दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का और प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है। कह रहे सर द बिजनेस यूजेस अ कॉस्ट पर यूनिट रेट टू एब्जॉर्ब ओवरहेड। ओवरहेड किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है बेटा? कॉस्ट पर यूनिट पे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है वो ट्रांसफर करने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किस प्रोपोर्शन में? आउटपुट के बेसिस पे। तो बहुत आसान है, पहले तो बेटा ये जो मेंटेनेंस का 3 लाख ओवरहेड है दोनों पे डिवाइड करेंगे।
किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे बेटा यूनिट्स में? तो मुझे बताएं यूनिट्स कितने कितने, 200,000 और 50,000 ऐसा। तो बेटा क्या हो गया, 200 प्लस 50 टोटल कितना हो गया, 250। तो फ्रैक्शन क्या बनाएंगे बेटा, 200 अपॉन 250 ऐसा, 80% हो गया मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। तो 3 लाख में से बेटा कितना ओवरहेड हम देंगे मशीनिंग को, ये देंगे 240। तो 240 बेटा यहाँ पर लिख देते हैं। और असेंबली को कितना देंगे बेटा, असेंबली को देंगे 20% कैसे, 50 आउटपुट इसका है और टोटल है 250। तो ये 20% आ गए, 20% ऑफ 3 लाख, 60,000 बेटा रीअपोर्शन इसको करेंगे। तो अब एक काम करें बेटा, ये ओवरहेड हमने डिवाइड कर दिया सही। अब एक काम करते हैं, इन दोनों ओवरहेड्स को प्लस कर लेते हैं। तो बेटा 800 प्लस 240 कितना हो गया, 1040 सही, 1,040,000। और 4 लाख प्लस 60 कितना हो गया, 460,000। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, हमने निकालना है सिर्फ मशीनिंग का। तो बेटा मशीनिंग का जो टोटल ओवरहेड है वो कितना है, 1040 है। और इस 1040 को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट पे, नंबर ऑफ यूनिट कितना है, 2 लाख। तो 1,040,000 को डिवाइड बाय 2 लाख कर दे, 5.2 आ जाएगा, 5.2। तो एक यूनिट में बेटा जो ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट में, वो करेंगे हमारा 5.2 सही है जी। तो आगे बेटा एक और सवाल है हमारा कॉस्टिंग का, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाइज टू द बजट फॉर अ जॉब। तो बेटा एक जॉब को पूरा करने में इतना मटेरियल लगना चाहिए था, इतना लेबर, इतने मशीन के घंटे। डायरेक्ट लेबर का जो रेट है वो क्या है बेटा, वो है 11 पर घंटा। प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करें 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर, एंड अमाउंट फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज एडेड एट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, बहुत आसान है बेटा। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, 4800। कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं या जॉब कॉस्ट कार्ड। डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, 2200। अब ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, ओवरहेड हमने लगाना है 25 पर घंटा। तो अब ये देखना पड़ेगा बेटा कितने घंटे लग रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लेबर कितनी लग रही है बताओ, $2200। और पर घंटे का रेट क्या है, 11। तो बेटा $2200 को डिवाइड बाय 11 अगर कर दें तो ये पता लग जाएगा कि कितने घंटे लेबर ने काम किया होगा इस जॉब को पूरा करने के लिए। $2200 डिवाइड बाय 11, 200 घंटे लगे होंगे। तो क्या आप 200 घंटों के ऊपर ओवरहेड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं सुजन? तो मुझे बताएं पर घंटे का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 25। तो 200 घंटे इंटू 25 कर दे, कितना ओवरहेड चार्ज होगा, 200 इंटू 25, ये हो गया बेटा 5,000 का ओवरहेड क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। और आखिरी में इसने एक और बात बोली कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी चार्ज करना है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो पहले अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, कितनी है, 4800, 2200 और 5000। तो बेटा 12,000 तो ये आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। और अब 12,000 का 20% और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 2400। तो बेटा 12,000 में 2400 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 14,400। तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा इस जॉब को बनाने की, वो है 14,400। और अगर हमें मार्कअप दिया होता तो इस पे हम टोटल कॉस्ट पे मार्कअप लगाते तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता, और अगर मार्जिन होता तो फिर मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ता। कह रहा बेटा एक और सवाल है अब्सॉर्प्शन का, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, और एक है हमारा स्टोर्स का सर्विस डिपार्टमेंट सही है। ओवरहेड अपोर्शन कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट में यूजिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। लेबर के आर्स दिए हुए बेटा, मशीन के आर्स दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स का टोटल ओवरहेड दिया बेटा। अगर आप देखो ओवरहेड कितना आ रहा है, 32,800 कौन सा स्टोर्स ओवर, और नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन दी हुई, इसका मतलब 3,000 रिक्वेस्ट किए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने स्टोर्स से कि भाई हमें मटेरियल चाहिए, और 2,000 दफा किसने रिक्वेस्ट किए, असेंबली सही। तो इसी प्रोपोर्शन में बेटा ये स्टोर्स का ओवरहेड क्या होगा, डिवाइड होगा। What are the overhead absorption rate for the two production department in respect of stores? तो बेटा एक काम करें, 32,800 को ये 3 और 2 के रेशो में डिवाइड कर दे, 3 प्लस 2 क्या होगा, 5। तो 3/5 मतलब 60% ऐसा, और 2/5 का मतलब 40%। तो बेटा 19,680 overhead चार्ज करेंगे कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग में, और बाकी बेटा 40% कहाँ चार्ज होगा, स्टोर्स का असेंबली में। तो बेटा 32,800 को हम क्या कर रहे हैं, या तो 40% कर दें या 2/5 कर दें, बात एक ही, कितना आ गया, 13,120। बेटा सवाल ये आता है कि अब ये जो ओवरहेड है ये डिवाइड करेंगे किस पे, आर्ट्स पे। तो कौन से आर्ट्स लेंगे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर आर्ट्स ज़्यादा हैं या मशीन आर्ट्स ज़्यादा, जो आर्ट्स ज़्यादा होंगे वो लेंगे। तो बेटा 19,680 को डिवाइड कर दो 20,160 घंटे से, 19,680 डिवाइड बाय 20,160 घंटे, तो कितना आ गया बेटा पर घंटा, ये पर घंटे का रेट आ गया 0.976 मतलब 0.98 पर मशीन आर, ऐसा ही है ना। तो 0.98 पर मशीन आर आ गया। ऐसे लेबर का रेट निकाल ले बेटा,
ये आ रहा है आपका असेंबली डिपार्टमेंट का रेट आ रहा है 13120 ओवरहेड है। इसमें कौन से आर्ट्स ज्यादा है, मशीन आर्ट्स या लेबर आर्ट्स, इसको डिवाइड कर दो बेटा लेबर के आर्ट्स से 0139। तो ये आ रहा है आपका 0.39 पर लेबर आर्ट। तो बेटा डी इज द राइट आंसर, सही है। और आगे कह रहा है व्हाट डज एन इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉज। हमने बताना है बेटा मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता है बेटा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, सही है। सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आखिरी बेटा नॉर्मली बजट्स का आता है सवाल, कह रहा है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। यहाँ पे इन्होंने ब्रेक इवन का दिया है, सीवीपी एनालिसिस। क्या कह रहा है बेटा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस दूसरा नाम है किसका, ब्रेक इवन का। कह रहा है टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। ये बात सही है, ब्रेक इवन बेटा इसीलिए करते हैं ताकि पता लगे कि हर एक्टिविटी पे कितना कितनी कॉस्ट लगेगी और क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। To set the selling price of a product to achieve target profit. ये बात सही है क्योंकि आपको पता है टारगेट प्रॉफिट का भी इसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट भी कमाना है तो इसमें हम टारगेट प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं, सही है जी। To set the selling prices for a variety of products. अच्छा देखें, ये हम सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए जो है वो नॉर्मली यूज नहीं करते। जैसे अगर हमने नॉर्मली सेलिंग प्राइस सेट करनी होती है ना, तो उसके लिए अब्सॉर्प्शन रिकमेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है उसके अंदर फिक्स ओवरहेड भी चार्ज होता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कोटेशन दे दें कस्टमर को। कोई ऐसा वन ऑफ है ना कि अगर स्पेयर कैपेसिटी बची हुई है तो हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी प्रोडक्ट्स जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पे मार्कअप लगा के हम बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर उससे हमारी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होगी। अरे भाषा में तो बेटा सेलिंग प्राइस सेट करने के लिए ज्यादा जो रिकमेंडेड है वो फुल कॉस्टिंग है, अब्सॉर्प्शन, सही है, जो कि जॉब कॉस्टिंग भी उसी का पार्ट है, सही है, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आई होप बेटा आपको ये फरवरी मार्च 2023 वाला पेपर समझ में आ गया।